हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। सो फ्रेंड्स, एक और नर्सिंग की वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दी गई है और यहां पर आप वैकेंसी देख भी सकते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है, चीफ डाइटिशियन की है, CSSD ऑफिसर की है। इसके अलावा अन्य भी कई सारे पद हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, सिविल इंजीनियर की हैं और जो है यहाँ पर असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर्स की है। तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर जो है विभिन्न जो है पदों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे वैकेंसी कहाँ से जारी की गई है, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना है, अप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, इसकी जानकारी, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ और देखते हैं पूरी अपडेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधा हम वैकेंसी टेबल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डेपुटेशन बेसिस पे यहाँ पर ये वैकेंसी है और एम्स रायपुर की ये वैकेंसी है। एम्स के थ्रू ये वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं एम्स रायपुर की ये वैकेंसी है। तो सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं वहाँ दिया हुआ है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, एम्स रायपुर से वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन नंबर आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है सबसे ऊपर और डेट आप देख सकते हैं 4/4/2022 की ये नोटिफिकेशन यहां पर जारी की गई थी। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप ए एंड बी पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस एट एम्स रायपुर। तो डेपुटेशन बेसिस पर ये वैकेंसी है एम्स रायपुर में और इसकी डेट के बारे में बात कर लें, इसकी ओपनिंग डेट क्या थी, तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 4/4/2022 और लास्ट डेट आपकी कितनी रखी गई है 19/5/2022, यानी कि 19 मई तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो 19 मई तक आपको यहाँ पर आवेदन करना है। कैसे आवेदन करना है इसकी जानकारी आपको अभी आगे हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं दी गई है www.aimsraipur.edu.in, ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर जो है ऊपर आप देख चुके हैं कि बताया गया कि डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसी, यहाँ पर लिखा भी है कि जो है इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY विद एम ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन क्वालिटी टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री एंड अटेंडिंग सेल्फ सफिशेंसी इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा कि द डायरेक्टर एम्स रायपुर इन्वाइट्स ऑनलाइन अप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर फॉलोइंग पोजिशन ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो डेपुटेशन बेसिस पे जो है ये वैकेंसी जारी की जा रही है और ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप किसी भी स्टेट के हों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं सीधा नर्सिंग की वैकेंसी को हम बात करेंगे। सबसे हमारा मेन नर्सिंग के लिए हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ग्रुप ए के अंतर्गत है। पे स्केल आपका लेवल 14 के अनुसार रहेगा, यानी ज़बरदस्त सैली है, बहुत ज़बरदस्त सैली है। एक वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आप देख सकते हैं ग्रेड वन के अंतर्गत है, ग्रुप एन लेवल 12 के अनुसार सैलरी यहाँ पर रहेगी आपकी। एक वैकेंसी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की लेवल जो है 11 के अनुसार सैलरी है ग्रुप ए में, एक वैकेंसी इसकी है। चीफ डाइटिशियन की ग्रुप ए के अंतर्गत देख सकते हैं लेवल 11 के अनुसार एक वैकेंसी है। CSSD ऑफिसर की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैकेंसी है। इसी तरह से अन्य जो वैकेंसीज हैं इसमें आप देख सकते हैं लाइब्रेरी सेक्शन सिलेक्शन ग्रेड की है एक वैकेंसी, लेवल सेम रहेगा। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है, ठीक है, COE की मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जो है इसकी जो एक पोस्ट यहाँ पर दी गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैं, एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर की हैं लेवल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये सब ग्रुप ए के अंतर्गत हैं, लेवल 11 के अनुसार सैलरी रहेगी और एक एक पोस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट स्टोर्स ऑफिसर की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर 4 हैं। इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट वाली वैकेंसी इसमें एक एक पोस्ट है ग्रुप बी के अंतर्गत और लेवल 7 के अनुसार यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। सैनिटेशन ऑफिसर की भी यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 के अनुसार 3 पद यहाँ पर रहें। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 हैं, 22 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने ऊपर आपको बता दी है। अब द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे स्केल एंड ETC दिस पोस्ट आर गिवन एट NHR 1। तो अब सीधा चलते हैं NHR 1 की तरफ, जहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे दी गई, सभी लोग क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेपुटेशन बेसिस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ग्रुप ए की वैकेंसी है, लेवल 14 के अनुसार सैलरी, CPC के अनुसार आप सैलरी का दे सकते हैं यहाँ पर। ग्रेड पे आपका कितना रहेगा 10,000 रहेगा और जो है पे बैंड आपका रहेगा 37,400 से 67,000 के बीच का। इसके अनुसार जो है यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, यहाँ पर दी गई है कि स्टेट ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विद द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
मे फॉर अप्लाई द पोस्ट। अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड द फर्स्ट ऑफ सेकंड शेड्यूल पार्ट सेकंड द ठीक है थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। ठीक है यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन सभी लोग देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आपके 500 होने चाहिए, MD और MS होना चाहिए आपका। ठीक है MHA मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट टू MHA बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कितना होगा, 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 300 बेड्स का बेड 300 बेड का हॉस्पिटल होता है उसका जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 10 साल का। फिर चीफ नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, ग्रेड पे वगैरह सारा चीज़ दे रखा, सैलरी का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिसर्स स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनॉमस बॉडी होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट, मतलब इनमें से किसी का हो और कौन किसी भी पोस्ट पर रहा हो, यहाँ पे देख सकते हैं इन पोस्ट पे कहीं भी मतलब ऑफिसर ऑफ द स्टेट मतलब राज्य का अधिकारी रहा हो, मतलब राज्य स्तर पे कहीं कार्य कर रहा हो या जो है गवर्नमेंट के अंडर में या ऑटोनॉमस बॉडी में कहीं कार्य कर रहा हो। और साथ में यहाँ पर 5 साल का जो है रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ रेलिवेंट फील्ड इन द PB3 विथ ग्रेड बैंड जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे पूरी चीज़ दे रखी है। इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं किस पोस्ट पे रहा हो, कहाँ पे कार्य किया हो, और डिप्टी असिस्टेंट नर्सिंग डिप्टी हो रहा है या असिस्टेंट नर्सिंग या सुपरिटेंडेंट विथ 5 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे आप ₹5,500। ठीक है इसी तरह से और भी सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी की जो है क्वालिफिकेशन दे, इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो क्वालिफिकेशन चेक कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है टाइम दे दिया गया है। जो हार्ड कॉपी आपको भेजने सारे डॉक्यूमेंट्स की फिल जो है आपका प्रिंट आउट निकलेगा उसको 15 दिन का आपको टाइम दे दिया गया है। यहाँ पर 15 दिन के अंदर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने होंगे, और जिसके लिए 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 19 तारीख के बाद से 15 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा। तो वहीं में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हार्ड कापी भेजने, हार्ड कापी आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है ओनली। और यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ एड्रेस कौन सा है, तो एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, सभी लोग इसी एड्रेस पर अपना फॉर्म भेज देंगे। तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो वीडियो को बिना किसी को लास्ट तक देखने का थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।